हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल योर न्यू डायरेक्शन। आज का जो वीडियो है उसमें आपको मैं आज बताऊंगा कि स्कॉलरशिप फॉर्म 2019-20 के लिए समाज कल्याण विभाग के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है, यानी कि 2019-20 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। प्री मैट्रिक्स, पोस्ट मैट्रिक्स और दसमोत्तर के लिए सभी के लिए जारी कर दिया गया है कि कब से आवेदन करना है और कब तक लास्ट डेट रखी गई है। ये सारी चीज़ें, सारे डिटेल्स सब नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, सब चीज़ें बता दी गई हैं। तो अगर आप भी आवेदन करने के इच्छुक हैं, आवेदन करना चाहते हैं स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए, कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ऐसी जहाँ पर आपको ज़रूरत है आवेदन करने के लिए, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको अपडेट कराई जाएंगी। क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हर साल इसी वजह से इस फॉर्म को नहीं भर पाते, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हो पाते। तो अभी आपके पास समय है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ दिनों का समय है, जितने उस दिनों में आप इस डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवा कर आप तुरंत आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा देरी करने पर आपका वेबसाइट भी डाउन होती है और आप आवेदन नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें आज इस वीडियो में बताई जाएंगी आपको। आधार कार्ड ज़रूरी है कि नहीं, और कोई आईडी लगेगी कि नहीं लगेगी, क्या करना है, किस प्रकार से करना है, आपके हर प्रश्न का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और अभी से आप तैयारी चालू कर दीजिएगा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो बने रहें वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आज के इस वीडियो में आप 1000 लाइक ज़रूर देंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। साथियों, हम चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, yournewdirection1.com। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर अपडेट हुआ है यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2019-20 के लिए आवेदन मांगे गए हैं, उसकी अपडेट यहां पर आ चुकी है। तो आज यही अपडेट हम जान रहे हैं सब, एक एक पॉइंट टू पॉइंट वीडियो को बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखते रहिएगा, तभी आप सारी चीज़ें समझ जाएंगी। ये जो आवेदन मांगे जा रहे हैं ये 19-20 के अभ्यर्थियों के लिए, मतलब स्कॉलरशिप देने के लिए मांगे जा रहे हैं। ये अपडेट हुआ है 10 जून को, और इसमें आगे आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट के द्वारा ये नोटिफिकेशन या अपडेशन दिया गया है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश प्री मैट्रिक्स के लिए, पोस्ट मैट्रिक्स के लिए दशमोत्तर स्कॉलरशिप 2019-20 के लिए जारी किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखते चलें कि जैसे कि आप कक्षा 8-9 हाई स्कूल इंटर कोई कोर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इस प्रकार से कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आप किसी के लिए भी आवेदन कर पाएंगे स्कॉलरशिप के लिए। यहाँ पर आप यह भी देखते चलें कि आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना है। जो अभ्यर्थी आवेदन करते हैं उनको यह चीज़ पता होगी कि यहाँ पर आपको कोई भी फीस नहीं देनी होती है, यानी कि फीस एकदम फ्री होती है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स, तो इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ये देखिए, जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 9 से 10 के लिए भी आपका 1/7 यानी कि 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा, 11 से 12 के लिए यानी पोस्ट मैट्रिक के लिए भी 1/7 से, और दशमोत्तर के लिए जितने भी अदर कोर्स हैं सभी के लिए 1 जुलाई से आवेदन शुरू हो जाएंगे, यानी कुल मिलाकर सभी के लिए 1 जुलाई से आवेदन शुरू हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट है आवेदन करने के लिए वो आपको मिल रही है 1 महीना लगभग 10 दिन की, यानी कि 10 अगस्त लास्ट डेट है। चाहे आप प्री मैट्रिक्स के लिए आवेदन करें, पोस्ट मैट्रिक्स के लिए, दसमोत्तर के लिए, किसी के लिए भी करें, 10 अगस्त लास्ट डेट यहां पर रखी गई है आवेदन करने के लिए। अब इस फॉर्म को कंप्लीट करना है आपको, तो कंप्लीट करने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा आपको और मिलेंगे, यानी कि फाइनल सबमिट करने के लिए 12 अगस्त डेट रखी गई है तीनों के लिए, ठीक है। 12 अगस्त फाइनल सबमिट के लिए रखा गया है, 10 अगस्त फॉर्म को रजिस्ट्रेशन के लिए रखा गया है, ओके। जो लास्ट डेट सबमिट हार्ड कॉपी ऑन इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट जहाँ पर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर जो आपको हार्ड कॉपी जमा करनी है उसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 16 अगस्त रखी गई है तीनों के लिए, चाहे पोस्ट मैट्रिक हो, प्री मैट्रिक हो या दशमोत्तर हो, तीनों में आपको 16 अगस्त से पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने जो फॉर्म भरे हैं वो सब यहाँ पर जमा करने रहेंगे अपने इंस्टीट्यूट में।
अभी करेक्शन के लिए डेट नहीं डिसाइड की गई है, क्योंकि ज़्यादातर यह हो जाता है कि जो आपका आवेदन की डेट है वो बढ़ती है, तो अगर ऐसा होता है तो फिर करेक्शन की डेट आगे आपको मिलेगी, अगर नहीं बढ़ती है तो जल्दी करेक्शन डेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, आगे देखते हैं कि हमें क्या क्या योग्यता रखनी होगी तब हम आप आवेदन इसमें कर पाएंगे। देखिए, या तो आपके पास, एक तो पहली बात तो उत्तर प्रदेश का डोमेसियल अनिवार्य है, अगर अभी तक आपके पास नहीं है तो करंट का डोमेसियल बनवा लें, ज़्यादा पुराना होगा तब भी दिक्कत होती है, तो अभी से आवेदन कर दें, अभी 10 से 20 दिन अभी आपके पास हैं और आपका बहुत ही आराम से डोमेसियल बन जाएगा। ठीक, और आपके पास स्कूल में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो होना चाहिए, कॉलेज स्कूल इंस्टीट्यूट जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन होता है, आई कार्ड मिलता है उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, तो वो आपके पास होना अनिवार्य रहेगा। अगर आप प्री मैट्रिक के लिए करेंगे तो उसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उससे पहले वाले का, यानी कि ठीक है मान लीजिए आप हाई स्कूल के लिए कर रहे हैं तो आपका कक्षा 9 का कर रहे हैं तो 8 के लिए 8 कर रहे हैं, तो इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और नया वाला भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर आपका प्री मैट्रिक है, ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर 11th के लिए, 12th के लिए है ना, या कोई आप डिग्री कर रहे हैं, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोई भी कर रहे हैं, तो उसका आप रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ही अनिवार्य है, पिछला भी जो आप कर आए हैं कोर्स या पढ़ाई और जो कर रहे हैं उसका भी आपके पास सारी डिटेल्स होनी चाहिए। ठीक, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, तो ये ज़रूर आप पहले से ही लेकर रखें, अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो अपने कॉलेज, इंस्टीट्यूट, स्कूल जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ से वो तुरंत ले लें। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड यहाँ पर किए गए हैं, लास्ट क्वालिफिकेशन जो आपने किया है उसका एग्ज़ाम की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ों को इस फॉर्म में भरना रहता है, तो वो ज़रूरी रहेगा। आपके पास इनकम सर्टिफिकेट अनिवार्य है, आय प्रमाण पत्र अगर अभी तक आपका नहीं है, क्योंकि करंट का आय प्रमाण पत्र लगेगा, तो तुरंत अभी की अभी आप बनवा लें, 10 से 20 दिन आपको यहाँ पर समय दिया जा रहा है। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वह भी करंट का हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं है तो जब भी चल जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो आप तुरंत उसको बनवा लें। बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसकी पासबुक भी आपके पास होनी चाहिए, चालू खाता होना चाहिए यानी कि स्टार्ट होना चाहिए, बंद खाता नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके नाम के अनुसार होना चाहिए, यानी कि जो आपकी मार्कशीट में आप फॉर्म भर रहे हैं वो नाम है, उसी नाम से आपका अकाउंट भी होना चाहिए। जो आपने नया एडमिशन लिया है, चाहे कॉलेज, स्कूल, कहीं पे भी लिया है, तो उसकी जो फीस की रिसिप्ट मिलती है वो आपके पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको वहाँ पर नहीं आवेदन कर पाएंगे। एनरोलमेंट नंबर मैंने आपको बता दिया होना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट जो आईडी है आपकी वो है आधार कार्ड, तो आधार कार्ड आपके पास अनिवार्य है, आधार कार्ड जरूरी है, आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो तुरंत के तुरंत आप बनवा लें, अभी आपके पास समय है। लेटेस्ट यानी कि करंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। ठीक, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आप पिछले साल भी आवेदन कर चुके हैं यहाँ पर, ये देखते चलें, ये सब चीज़ें नए स्टूडेंट के लिए हो गई, लेकिन अगर आप पिछले साल भी आवेदन कर चुके हैं और इस बार दूसरी बार कर रहे हैं, तीसरी बार कर रहे हैं, तो आप जो लास्ट ईयर में आपका लॉगिन आईडी यानी पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड था, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके आप रीअप्लाई कर सकते हैं 2019-20 के लिए, ये याद रखिएगा, आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक, अब आगे देखते हैं फ्रेश कैंडिडेट जो होते हैं, मैंने बताया फ्रेश कैंडिडेट को सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक कंप्लीट करने होंगे और आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, लेकिन जो रिन्यूअल कैंडिडेट होते हैं यानी कि जिन्होंने पहले भी अप्लाई किया है पिछले साल 2018-19 में, तो उनके लिए ये रहेगा कि उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप करके रिन्यू कर सकेंगे। ठीक है, आधार कार्ड आपका कंपलसरी यहाँ पर है, ये बहुत ही ज़रूरी है, तो ये आपके पास होना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, इससे संबंधित वीडियो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, इस पेज का जिस पे पेज पे मैं आपको बता रहा हूँ उसका लिंक रहेगा, वहाँ से क्लिक करिएगा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक, इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बता दी हैं, 1 जुलाई को सारे यहाँ पर लिंक ओपन हो जाएंगे, आप यहाँ पर आराम से आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, और जो नोटिफिकेशन है साथियों, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक दोनों का नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ है, जैसे ही आप प्री मैट्रिक पर क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, और आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार पूरी चीज़, इसको डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। देख रहे हैं आप 4 जून को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेटेस्ट अपडेट है, 4 जून को नोटिफिकेशन जारी किया गया है निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा। ठीक है, तो यानी कि कुल मिलाकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आप तैयारियां शुरू कर दें इसके लिए तुरंत आवेदन करने के लिए।
डॉक्यूमेंट्स मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर होते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स आप तुरंत यहाँ पर आपने तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए 4 जून को दूसरा भी पोस्ट मैट्रिक का भी जारी हुआ है, तो सारी चीज़ें आप समझ गए। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप यहाँ पर आ पाएंगे और सारी चीज़ें यहाँ से आप देख पाएंगे। तो लगभग इस जो स्कॉलरशिप 2019-20 के लिए आवेदन मांगा गया है उसके संबंधित सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बता दी। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल कोई शंका रह गई है कि क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आई या कुछ नहीं समझ में आया वीडियो में, तो आप तुरंत वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। प्रश्न आपका सही होना चाहिए, ठीक। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप समझाए जाते हैं और बताए जाते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहे क्योंकि ये फ्री है, तो आपको आगे आने वाली भी अपडेट लगातार मिलती रहेगी स्कॉलरशिप से संबंधित। जैसे ही आवेदन शुरू होंगे, आवेदन किस प्रकार से करना है यह अभी आपको करके बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।